पठानकोट में अब आर्मी ऑफिसर भी साइबर ठगी का शिकार होने लगे हैं। एक कर्नल रैंक के अधिकारी को साइबर ठगों द्वारा निशाना बनाया गया है और तकरीबन 35 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। साइबर ठगों द्वारा ऑफिसर को झांसा दिया गया था कि उनकी एक प्राइवेट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से दोगुना मुनाफा होगा, जिसके झांसे में आकर अलग अलग अकाउंट में ऑफिसर द्वारा तकरीबन 35 लाख रुपए जमा करवाए गए। शक होने पर ऑफिसर द्वारा पठानकोट के साइबर सेल में इसकी शिकायत की गई। सर्विस सेल द्वारा इस सारे मामले की जांच की गई और पठानकोट की डिवीजन नंबर 1 में अज्ञात लोगों पर ठगी का मामला दर्ज किया गया। SP पठानकोट हरपाल सिंह द्वारा इस सारे मामले की जानकारी दी गई। साढ़े मानयोग SSP ऑफिस के अगस्त 2023 दे विच एक कंप्लेंट आई सी, जिस विच किसी ऑफिसर दे नाल फ्रॉड होया सी, जिस दी साइबर सैल वालों पड़ताल की गई सी। जिस पड़ताल ते करन ते जो उन्होंने परचा दर्ज FIR दर्ज करने की सिफारिश की सी, जो DA लीगल दी ओपीनियन तो बाद 13 जनवरी 2024 नूं थाना डिवीजन नंबर 1 पठानकोट च FIR नंबर 5 जिहड़ी आ दर्ज रजिस्टर की गई आ, जिस विच तकरीबन 35 लाख दा जिहड़ा वा ਉਹ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾ ਉਹ 417, 419, 420 IPC 66C ਅਤੇ 66D IT ਐਕਟ 2000 ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਥ ਲੈਬ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬੁੰਗ ਚ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਓ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।